हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो, बहुत दिन के बाद मिले अपन यार। टेंशन मत लो, देखो मैं जो वादा करके गया हूँ ना कि मैथमेटिक्स में खत्म करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। पूरा सिक्स का पूरा मैथ्स खत्म करवाऊंगा, ठीक है? टेंशन मतलब बस पेशेंस रखो, बस जितने बच्चे को ला पाऊँ ना सब बच्चों को ला पूरा खत्म करवा के जाऊंगा, ठीक है? देखो, रेखाखंड की चलो बात कर लेते हैं, समझ रहे हो? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो कुछ कुछ टर्म्स है वो चीज हम लोग देखेंगे कि ये क्या होता है। रेखाखंड नाम क्या है? रेखाखंड, रेखाखंड, ठीक है? रेखाखंड मतलब हो गया कि भैया रेखा का ये क्या होगा, एक खंड होगा। जैसे देखो, इसे मान लो कि यही आपका कागज है, जैसे मान लो आपके पास में कागज है, उसको मोड़ दोगे, जैसे इसको पकड़ के इसे मोड़ दिए, तो ये जो मुड़ेगा, ये जो लाइन दिख रहा है ना, ए बी, क्या हो जाएगा? ये रेखाखंड हो जाएगा। तो यहां देखो, जैसे एक बंदा इधर से और एक बंदा इधर से, एक बंदा इधर से और एक बंदा इधर से रस्सी को खींच रहा है, तो ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट तक क्या है? ये फिक्स है, ये पॉइंट भी ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है, क्या हो जाएगा ये बाबू? क्या हो जाएगा? रेखाखंड। समझ रहे हो? मतलब दोनों पॉइंट क्या होगा, ये भी फिक्स होगा और ये भी फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि इधर कुछ फिक्स ही नहीं होगा, इसे जा रहा है। रेखाखंड मतलब ये हो गया भैया, ये भी आपका फिक्स होगा भैया, और ये भी आपका डिफाइंड होगा, ये भी डिफाइंड पॉइंट होगा और ये भी डिफाइंड पॉइंट होगा, तब क्या बन जाएगा भैया? ये रेखाखंड। सिर्फ ये भी पॉइंट, ये भी क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो गया। यहाँ से यहाँ तक पुस्तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है रेखाखंड क्या हो गया भैया? रेखाखंड का जो इधर वाला पॉइंट और इधर वाला पॉइंट, दोनों क्या हो जाएगा? डिफाइंड रहेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, तो सिंपल इतना समझ लो कि रेखाखंड अगर मान लो दिखाना है, जैसे मान लो कि एक्स वाई है, ये भी पॉइंट डिफाइंड है, ये भी पॉइंट क्या है? डिफाइंड है। देखो एक्स वाई है तो किसको दिखाएंगे, दिखाएंगे कैसे? तो एक्स वाई पे क्या करना है आपको, रेखाखंड एक सीधा लाइन खींच देना है, इसी करके इसको बार बोलते हैं। इसे क्या करना है, एक्स वाई लिखे और ये आपको दिख रहा है कि ये भी पॉइंट डिफाइंड है और ये भी पॉइंट क्या है? डिफाइंड है। तो मतलब क्या है अपना भैया? ये रेखाखंड। तो रेखाखंड का रूल क्या है भैया? एक्स वाई लिख लो, ऊपर में एक ऐसे सिंपल सा लाइन खींच दो। कोई बंदा बोलेगा सर मैं वाई एक्स लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा मैंने लिख लो वाई एक्स, लेकिन दिखना चाहिए ये भी पॉइंट डिफाइंड, ये भी पॉइंट डिफाइंड, क्या मारोगे? डैश मारोगे। डैश क्या दिखाता है? रेखाखंड। इसी तरह से एमएन का भी दिखा लोगे। क्लियर है? अब देखते हैं, रेखाखंड समझ में आ गया। अब वो किरण है, रे क्या है? रेखाखंड में क्या हो रहा था कि दोनों पॉइंट डिफाइंड हो रहे थे, किरण में क्या होगा कि एक पॉइंट तो डिफाइंड होगा आपका, लेकिन दूसरा डिफाइंड नहीं होगा, बढ़ते चले जाएगा। जैसे देखो, कल्पना कीजिए ए बी रेखाखंड, ये ए बी रेखाखंड है, एक ये पॉइंट डिफाइंड है, एक ये पॉइंट डिफाइंड है, तो ए टू बी तो आपको क्या हो जाएगा? रेखाखंड हो जाएगा, क्योंकि ए बी पॉइंट डिफाइंड है, बी बी पॉइंट डिफाइंड। आप क्या बोल रहा है, कल्पना कीजिए कि ए बी रेखाखंड को बी बिंदु से आगे एक दिशा में बिना किसी अंत के आगे बढ़ाया गया है, मतलब बी के बाद सीधा एकदम बढ़ाते चले गए, जो एरो दिखा रहा है मतलब चलते चला जा रहा है, कहीं खत्म नहीं हो रहा है। यह एक क्या बता देगा? यह एक किरण है, समझ रहे हो? ये ए टू बी अगर पूछता आपसे तो आप तो बोल रहे भैया ए बी डिफाइंड है, बी बी डिफाइंड है, क्या रेखा खंड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बी से आगे भी निकल रहा है, एक डायरेक्शन में पूरा बढ़ते चले जा रहा है, क्या हो जाएगा? ये किरण हो जाएगा, ठीक है? इसे यहाँ से देखो, एक डायरेक्शन क्या बढ़ते चले जा रहा है, किरण हो जाएगा, या एक डायरेक्शन में बढ़ते, जैसे सूर्य की रोशनी भी क्या होता है, क्या होता है, किरण हो जाएगी। समझ रहे बात? क्लियर है? और किरण जिस बिंदु से आरंभ होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। कोई दिक्कत, जहां से स्टार्ट होगी, वैसे मान लो कि जहां से स्टार्ट होगी उसको क्या बोलते हैं? प्रारंभिक बिंदु। क्लियर है? इसे मान लो यही है। तो देखो, एम टू एन अगर कोई पूछता आपसे कि एम टू एन अगर ये नहीं रहता, मान लो ये नहीं रहता, एम टू एन अगर दो पॉइंट डिफरेंट, तब तो आप बोलते रे रेखाखंड है सर, तब आप क्या बोलते कि इट इज रेखाखंड। एम एन है अगर ये नहीं रहता मान लो, तो एम एन ये भी पॉइंट डिफाइंड है, ये भी पॉइंट डिफाइंड है, आप तो सिंपल बोलते भैया रेखाखंड है, लेकिन यहाँ पे देखो इम्पल्स, सिंपल से एक एरो निकाल दिया, इधर एक तरफ ये जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, एक ही तरफ से बढ़ते हुए चले जा रहा है, कहीं अंत नहीं है, तो क्या बोल दोगे इसको भैया? ये क्या है भैया बताओ? तो क्या बोल दो इसको? किरण। क्या बोल दो? किरण। किरण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। देखो क्लियर है, इसको क्या बोल देंगे? किरण। इसको दिखाएंगे कैसे सर? जैसे मान लो कि ये एम एन दिख रहा है आपको, और एम एन दिखने से आपको लग रहा है कि सर ये क्या है, दिखने से लग ही रहा है सिंपल कि एम एन तो है ही, साथ ही साथ एक वगैरह ये बढ़ते चले जा रहा है, एक बढ़ते चले जा रहा है, मतलब ये किरण है, तो आप लिखोगे एम एन। सर एम एन लिखे सर कुछ पता नहीं चला सर कि ये क्या है। मैं क्या बोला था, अगर रेखाखंड होता तो एम एन पे डैश मार देते थे,
इनका खंड के लिए। तो किरण के लिए क्या करना है, MN लिख लेना है, MN ही है, तो MN लिख लेना है आपको, और उसमें एक ऐसे एरो मार देना है, ऐसे एरो मार देना है, ठीक है। कि देखो किरण को हम ऐसे MN लिखा है, एक एरो मार दिए, उसी व्यक्त हम लोग कर सकते हैं। दिखाने का तरीका है, रेखाखंड के लिए सिंपली मान लो MN था तो MN पे ऐसे रेखाखंड दिखा दिए, मान लो किरण है तो MN पे एक तरफ से एरो बस मार देना है, ठीक है, समझ में आ गया है। चलो अब देखो रेखा, अब लाइन समझते हैं क्या है। देखो अभी तक रेखाखंड पर लिए, किरण पर लिए, अब देखते हैं रेखा क्या है। तो रेखा कुछ होता नहीं, दोनों बगल से बढ़ते बढ़ते चले जाएगा, ऐसे समझ लो। रेखा है ना, इसे मान लो MN रेखाखंड था, जिसे मान लो ये MN था, ये रेखाखंड था, तो इधर से अगर एक तरफ से अगर इंक्रीज करते हुए चले जाता था तो इसको किरण बोल देते थे। अब सोच लो कि इधर से भी ये इंक्रीज करते चले जा रहा है, इस एंड से भी, और इस एंड से भी ये इंक्रीज करते हुए चले जा रहा है। पहले तो MN था, MN से अगर एक तरफ इंक्रीज करते हुए चले जा रहा था उसको हम लोग किरण बोल देते थे। अब क्या हुआ कि इस एंड से भी ये इंक्रीज करते हुए चले जा रहा है और इस एंड से भी इंक्रीज करते हुए चले जा रहा है, मतलब दोनों बगल इंक्रीज करते हुए चले जा रहा है, तब तो क्या बोल देंगे, लाइन, रेखा बोल देंगे। क्या लिखा है, जब रेखाखंड MN को N से आगे, N से आगे तथा दूसरी ओर M से आगे, जो M M से आगे बिना किसी अंत के लगातार बढ़ाया जाए तो क्या होगा, तो क्या बन जाएगा, अपना रेखा बन जाएगा। सर इसको दिखाएंगे कैसे, मान लो इसे MN है, देखो इधर भी MN है, तो देखो N से इधर भी निकल रहा है, N के बाद इधर निकल रहा है, इस साइड में भी निकल रहा है और ये और इस साइड में भी आपका निकल रहा है। तो आप क्या लिखोगे, सर MN है, MN क्या है, इधर भी निकल रहा है, इधर भी रेखा है, इधर भी निकल रहा है और इधर भी निकल रहा है, मतलब आप क्या बोल सकते हो भैया, MN हमारा रेखा है। सर इसको डिनोट कैसे करेंगे, सूचित कैसे करेंगे, तो MN हो गया, इसके ऊपर में आपको ये मार देना है डबल एरो, इधर भी और इधर भी, मतलब कुल मिला के आप इतना समझ लो। इतना मैं बता देता हूँ कि इसे मान लो MN है, अगर MN लिखा हुआ है, अगर ऐसे डैश मारा हुआ है तो ये रेखाखंड दिखा रहा है, MN एक रेखाखंड है। अगर मान लो MN लिखा हुआ है और इस पर एक ये एक एरो इस तरह से लगा हुआ है तो ये किरण है, MN एक किरण है। और मान लो एक MN लिखा हुआ है और इधर भी एरो है और दोनों बगल एरो है, ये क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम चीज यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो MN है, MN रेखा है जो दोनों तरफ बढ़ती है, दोनों बगल एरो है, MN पे एक बगल एरो है तो किरण होगा, MN किरण है जो N दिशा की ओर बढ़ती है, और MN क्या है, रेखाखंड है जिसका एक सिरा M और दूसरा सिरा N है, ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी, भैया रेखाखंड, किरण और रेखा क्या है, ठीक है। अब देखो कोण क्या होता है, कोण समझना, कोण क्या, जब दो सरल रेखाएं अथवा किरण एक बिंदु पर मिलती अथवा काटती है तो उन रेखाओं के बीच के घुमाव तथा झुकाव को कोण कहते हैं। मतलब इतना समझ लो, जैसे घड़ी दिख रहा है आपको ना, सबको घड़ी दिख रहा है कि नहीं ये बताओ, घड़ी दिख रहा होगा सबको, ये मान लो घंटे की सुई है और ये मान लो मिनट की सुई है, तो ये जो दिख रहा है ये जो झुकाव है, यही इसी को बोलते हैं एंगल या कोण, याद रखना, इसी झुकाव क्या बोलते हैं, एंगल या कोण, क्लियर है, समझ में आ रहा है। इसे देखो और चीजें क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा, कि क्लियर है। तो ये हो गया ए बी और एक ए सी, देखो जहां से ये शुरू होता है इसको बोलते हैं शीर्ष बिंदु, ये भी याद रखना, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, क्लियर है, क्लियर है। तो यहां पे आपका शीर्ष बिंदु क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहां पे लिखा भी हो, देखो इसे हम कोण का शीर्ष कहते हैं, जैसे कोई भी कोण है, जैसे मान लो इस कोण, यही कोण होगा, यही कोण होगा, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा दिखाता हूं बड़ा करके, देखो ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया, इसी कोण की बात कर रहे हैं, तो जहां से ये शुरू हो रहा है, जहां से ये शुरू हो रहा है ये वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं, याद रखना, क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। और ये एंगल, अब देखो एंगल लिखने का तरीका है, एंगल लिखने का तरीका ये है कि जो शीर्ष आपका है उसको बीच में रखो, मतलब हम लिखेंगे एंगल कोण बी ए सी। कोई बंदा बोलेगा सर हम लिखेंगे कोण सी ए डी, देखो जो शीर्ष है, जिस पॉइंट से निकल, जो शीर्ष है देखो बीच में है कि नहीं, बी ए सी देखो बीच में है नहीं, ये इसी तरह से इधर से भी तुम लिखे सी ए बी, तो देखो ए बीच में है कि नहीं, तुम लिखे एंगल सी ए बी, देखो बीच में है ना, इसी तरह से लिखो। कोई बंदा बोलेगा सर मैं लिखूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा, इसे मान लो कोई बंदा बोलेगा मैं सी बी ए लिखूंगा, सी बी ए, तो ये तुम नहीं लिख सकते क्योंकि इस कोण की बात चल रही, इस कोण की बात चल रही है, जिसका शीर्ष ए है, ए को बीच में ही डालना पड़ेगा तभी तुम लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा सबको। इसे मान लो
यही है एक्स वाई जेड है मान लो, इसका पूछ रहा है शीर्ष कहाँ है, तो शीर्ष जहां से शुरू हुआ यही शुरू और इधर जा रहा, इधर जा रहा था यही वाई शीर्ष है। कोण बनाने वाली, कोण बनाने वाली भुजा कौन कौन है, यही कोण, एक ये भुजा है और एक ये भुजा है, मतलब वाई एक्स और एक वाई जेड है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। लिखने का तरीका समझे, जैसे मान लो बी ओ ए है, जैसे मान लो इस कोण को लिखना है, क्या लिखेंगे, एंगल बी ओ ए बीच में रखना है, हमेशा शीर्ष को क्या रखना है, बीच में, देखो बी ओ ए, देखो ए बीच, ओ बीच में है कि नहीं है। हम ये भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी, फिर से देखो ओ बीच में है तो लिख सकते हैं आराम से, समझ रहे हो। अब बहुत देखो, अगर मान लो कि समय नहीं है तो इसको एंगल ओ बी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी लिखा जाता है, मतलब तीन तरीके से तुम या तो एंगल बी ओ ए लिखो, ओ बीच में तो चल सकता है, या तो आप एंगल ए ओ बी लिखो, ओ फिर से बीच में तो चल सकता है, या तो आप डायरेक्ट ओ लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जिसे मान लो कि ये एंगल लिखना है, जिसे मान लो ये एंगल लिखना है, ठीक है, तुम क्या बोलोगे, एंगल सी, अब तो ये दोनों का जो एंगल ये लिखना, तो शीर्ष कौन सा, यही शीर्ष है, तो शीर्ष को बीच में रखना है, क्या बोलेंगे, एंगल सी पी बी या एंगल बी पी सी, समझ रहे हो चीजें, समझ रहे हो चीजें, ये बताओ क्लियर है, यही एंगल लिखना हो क्या बोलोगे, एंगल ए, अब इस एंगल का शीर्ष कौन सा, फिर से अगेन पी है, क्या बोलोगे, एंगल ए पी बी, ए पी बी, एंगल ए पी बी, या लिखोगे एंगल बी पी ए, एंगल बी पी ए, तो ध्यान से देख रहे हो ना, हमेशा शीर्ष में, शीर्ष जो पी था उसको कहां रखा, हमेशा बीच में, देखो बीच में रख रहे हैं, ठीक है, तो आराम से आप ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्लियर है ना, तो हमेशा याद रखिएगा। अब त्रिभुज, नाम ये त्रिभुज, तीन भुजा, इस तरह का फिगर जो होता है ये त्रिभुज होता है, देखो तीन भुजा, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, क्लियर है। त्रिभुज के भाग, तो इसके बारे में कुछ कुछ मैं बताता हूं, ये ए बी सी तीन भुजा है, कितने भुजा त्रिभुज में, नाम ये त्रिभुज, तीन भुजा होंगे, देखो एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा, शीर्ष क्या होता है, टॉप पॉइंट, ये देखो टॉप पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ, टॉप पॉइंट एक, ये दो, एक तीन, टॉप पॉइंट कितना हो गया, जहां पे शीर्ष वो होता है जहां पे मीट करता है दो भुजा, ऐसे समझ लो, उसी को शीर्ष बोलते हैं, यहां भी दो भुजा मीट कर देती, एक ये हो गया, यहां भी मीट कर देती, एक ये हो गया, और यहां भी एक मिल रही थी, यहां पे एक हो गया, कितना भुजा, कितना हो गया, भुजा हो गया एक दो तीन, पूछेगा शीर्ष कितना, तो एक दो तीन, तो तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होते हैं, पूछेगा कोण कितना, तो बताओ कोण, आपको कोण तो तुम तेज हो, सब आरामी से बता सकते हो, कौन 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 दिख रहा है, बताओ, एक ये इसके, इस दोनों के बीच में कि ये कौन बन रहा है, इस दोनों के बीच में कि ये कौन बन रहा है, और इन दोनों के बीच में कि ये कौन बन रहा है, मतलब एक दो तीन, तीन कौन, समझ रहे, चीज समझ में आई, शीर्ष जहां पे दो कट करते हैं उसी को बोलते हैं। अब देखो त्रिभुज का अंतः भाग और बहिर्भाग क्या होता है, समझना, त्रिभुज का अंतः भाग और बहिर्भाग, नाम ये अंतः भाग मतलब अंदर का भाग होगा और कुछ थोड़े है, नाम ये अंतः भाग मतलब अंदर की भाग की बात कर रहा बंदा, और बहिर्भाग मतलब बाहर की बात कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। इसे मान लो ये ए बी जेड, देखो ये त्रिभुज पी क्यू आर है ना जी, त्रिभुज पी क्यू आर, तो ये जो ए बी जेड है ये क्या है, अंतः भाग में है, त्रिभुज का अंतः भाग है, और ये जो दिख रहा है एक्स वाई, ये जो सी दिख रहा है, ये सब क्या है, त्रिभुज के बाहर है, तो इसको बोलते हैं क्या, त्रिभुज के बहिर्भाग में ये सब चीजें है, अंतः भाग मतलब त्रिभुज के अंदर है, बहिर्भाग मतलब त्रिभुज के बाहर है, ठीक है। इसे मान लो कुछ कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे आप लोगों को, थोड़ा सा अगर ध्यान दो, जूम करता हूं मैं, देखो थोड़ा सा ये देखिए कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो त्रिभुज पे ही है, जैसे मान लो एक ये पॉइंट देखो एम, देखो त्रिभुज पे ही है और एन भी त्रिभुज पे ही है, तो इसको क्या बोलेंगे भैया, ये हमारा त्रिभुज पे ही पॉइंट है, ये ना तो अंतः भाग में है और ना ही आप क्या बोल सकते हो, ये बहिर, यहाँ ना ही अंतः भाग में है और ना ही बहिर्भाग में, ये त्रिभुज पे है, ठीक है, क्लियर है। चलो अब देखो त्रिभुज के शीर्ष लंब एवं माध्यिका, कुछ समझते हैं कि ये शीर्ष लंब क्या होता है, माध्यिका क्या होता है, समझाता हूं। देखो ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ए बी सी दिख रहा होगा, ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज दिख रहा है ए बी सी, आप क्या करो, जो एक शीर्ष है, जो शीर्ष दिख रहा है, इस पे नीचे 90 डिग्री पे एक लाइन खींच दो, इसी को क्या बोलते हैं, लंब, याद रखना, या परपेंडिकुलर, इसे मान लो यही शीर्ष है, इसी शीर्ष से लो एक फिर से 90 डिग्री पे लाइन खींच दो, फिर से क्या बोल देंगे, लंब, इसे यही शीर्ष दिख रहा है, इसी से क्या, फिर से लो एक 90 डिग्री पे लाइन खींच दो,
क्या हो जाएगा, ये लंब मतलब 90 डिग्री लाइन हो गया। 90 डिग्री लाइन क्या, तो मतलब लंब समझ जाएगा, त्रिभुज का लंब किसको बोलेंगे भैया, 90 डिग्री लाइन जो होगी शीर्ष से, सिंपल से आपको क्या शीर्ष लंब मतलब शीर्ष से आपको 90 डिग्री पे एक लाइन खींच देनी है, उसे क्या बोलते हैं शीर्ष लंब या लंब या शीर्ष लंब बोल दो, क्लियर है। हाँ आप एक चीज समझना कि ये तो समझ में आया सर, शीर्ष लंब मतलब ये होगा कि शीर्ष से आपको 90 डिग्री पे लाइन खींच देनी है, शीर्ष से आपको 90 डिग्री पे लाइन खींच देनी है, शीर्ष से आपको 90 डिग्री पे लाइन खींच देनी है और शीर्ष से आपको 90 डिग्री पे लाइन खींच देनी है, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। और याद रखना शीर्ष लंब जहां कट करता है, देखो इस पॉइंट पर कट कर रहा है ना, इस पॉइंट पर मीट कर रहा है ना, सब तो कट कर रहा है ना, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं बाबू याद रखना लंब केंद्र। सब लिख लेना, नोट्स बनाते हो ना, इसे से बता रहा हूं, लिखते चले जाना। ये सब जो लाइन दिख रहा है शीर्ष से परपेंडिकुलर, शीर्ष से परपेंडिकुलर, शीर्ष से परपेंडिकुलर, सब क्या है शीर्ष लंब। और जहां सब जो तीनों शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब, ये शीर्ष लंब जहां कट करता है उसको क्या बोलते हैं लंब केंद्र। यहां लिखा भी हुआ है देखो, त्रिभुज में तीन शीर्ष लंब होते हैं, एक ये शीर्ष से मारो, एक ये शीर्ष से मारो, एक ये शीर्ष से मारो, जो एक ही बिंदु पर गुजरते हैं यह बिंदु त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है, इसको लंब केंद्र बोलते हैं, ठीक है। इसे आप माध्यिका क्या होता है, जैसे देखो यहां इसे बताता हूं, देखो इसे मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, मान लो एबीसी है, तो अभी क्या बताया था, इससे सिर से परपेंडिकुलर डालोगे, इससे सिर से परपेंडिकुलर डालोगे और इससे के सिर से परपेंडिकुलर तुम डालोगे 90 डिग्री डालोगे, तो ये सब क्या होता, जो तुम सिर से परपेंडिकुलर डालते थे 90 डिग्री खींचते थे, तो बोलते शीर्ष लंब, शीर्ष लंब, शीर्ष लंब बोलते थे, और जहां कट करता था उसको बोलते थे क्या बताओ लंब केंद्र। अब सर माध्यिका की बात करते हैं, माध्यिका क्या होता है, माध्यिका ये होता है कि आपको क्या करना है, इस शीर्ष से शीर्ष सीधी लाइन खींचनी है इस तरीके से कि जिस लाइन पे ये गिरता है, शीर्ष से खींचना है, जिस लाइन पे ये गिरता है आपको उसको दो भागों में बांटे, उसको दो भागों में बांटे, जैसे मान लो कि ये एसी है ठीक है और ये एबी है, दो समान भागों में बांट देगा, जैसे ये गिरेगा ना तो क्या कर देगा एबी बराबर बीसी, क्या कर देगा एबी बराबर बीसी। जैसे कोई बंदा बोलेगा सर हम इस सिर से डालने का मेरा मन है, हम इस सिर से इस तरह से डालेंगे कि ये जो मान लो एम है, मान लो ये एम सी है, इसको क्या कर देगा आधा कर देगा, इससे पकड़ो इसे डालो, मतलब क्या इसका क्या प्रॉपर्टी, जैसे ही गिरा इस पर मान लो एम है तो उसको क्या कर देगा आधा कर देगा, मतलब एम एन बराबर आधा कर देगा, मतलब जो ये पार्ट जितना होगा वही पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट होगा एम एन बराबर एन सी, एम एन बराबर एन सी हो जाएगा। तो माध्यिका काम समझ रहे हो ना, जहां जगह गिरेगा उसको आधा आधा कर देगा, समझ रहे हो चीजें, इसे इस सिर से भी यहां भेजोगे तुम, इसको भी जो एम लाइन है इसको भी आधा कर देगा, जहां गिरेगा आधा आधा कर देगा, ठीक है। तो माध्यिका का लंब का काम सिंपल सा यह है कि भैया शीर्ष लंब का मतलब शीर्ष से आपको परपेंडिकुलर लाइन खींच देनी है, वो शीर्ष लंब होता है, शीर्ष लंब जहां कट करता है उसको लंब केंद्र बोलते हैं। माध्यिका काम क्या है कि आप शीर्ष से जहां से भी जाकर ड्रॉ करोगे, जहां पे भी कट करता है दो भागों में बांट देगा, आधा आधा कर देगा, सिंपल समझो ना, माध्यिका काम आधा आधा कर देना, माध्यिका काम क्या है आधा आधा कर देना। और जहां पे ये तीनों माध्यिका मीट करती है उसको क्या बोलते हैं केंद्रक, तो क्या बोलते हैं बाबू केंद्रक, याद रखना, समझ रहे हो। अब लंब केंद्र और केंद्रक समझ में आ गया होगा भैया कि लंब मतलब ये शीर्ष लंब मतलब ये हो गया शीर्ष से लंब, शीर्ष से परपेंडिकुलर, शीर्ष से लंब 90 डिग्री जहां कट करेगा लंब केंद्र, और जहां पे माध्यिका कट करेगा बाबू, माध्यिका मतलब क्या आधा आधा करने वाला, जहां पे जाकर गिरेगा उसको आधा कर देगा, जहां पे जाकर गिरेगा जहां उसको आधा कर देगा, जहां माध्यिका कट करेगी, तीनों माध्यिका है ना भाभी, एक दो तीन, ये तीनों माध्यिका जहां कट करेगी, यहां पे इसको क्या बोलते हैं जहां कट कर रहा था इसको लंब केंद्र, जब तीनों माध्यिका कट करेगी तो क्या बोलते हैं वो केंद्र। लिखा भी हुआ है त्रिभुज के तीनों माध्यिका है, ये माध्यिका मतलब क्या जो आधा करती है, जिस बिंदु पे मिलती है उस बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, ठीक है। तो लंब केंद्र और केंद्रक समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। चलो थोड़ा चतुर्भुज के बारे में पढ़ लें, देखो ध्यान से, नाम ये चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब सिंपल सा बस ये समझ लो, मैं तो यही बोलूंगा चार भुजा, त्रिभुज मतलब तीन भुजा, चतुर्भुज मतलब चार भुजा, बस सिंपल समझो चार भुजा होगी। देखो जैसे एबीसीडी है तो एक दो, एक एडी, एक डीसी, एक सीबी और एक एबी, ठीक है, चतुर्भुज की भुजाएं, भुजाएं कौन कौन, इसे मान लो ये चार भुजा है कि नहीं, देखो एक दो तीन चार, अब मैंने मान लो ऐसा था इसको घुमा करके ऐसा कर दिया तो क्या है चतुर्भुज नहीं होगा, आपको सिंपली गिनना है कि भुजा कितना, एक ये ए बी हो गया, ए डी हो गया, एक डी सी हो गया, एक बी सी हो गया, कितना भुजा, एक
2 3 4। अब बंदा बोले सर ये क्या बन गया सर, सिंपल से वो देखा चतुर्भुज है कि नहीं, चार भुजा है कि नहीं, एक ए बी एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, एक चार भुजा। क्लियर है, सबको समझ में आ रही है चीज, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा, ठीक है, क्लियर है, अब समझो, ठीक है। तो अब चतुर्भुज के विकर्ण क्या है, विकर्ण मतलब कोने कोने को मिला दो भैया, ये चतुर्भुज है कोना कोना, कोना 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 जो लाइन मिलाते हो इसको क्या बोलते हैं विकर्ण, कोना कोना लाइन जिसको मिलाते हो क्या बोलते हैं विकर्ण, याद रखना। मतलब एक ऐसा लाइन जो दो त्रिभुज बना दे, देखो एक ये त्रिभुज बन जाएगा ए डी बी और ये त्रिभुज क्या बन जाएगा बी डी सी, ठीक है, समझ लो ना, यही सब चीजें थी विकर्ण। यहाँ पे क्या क्या विकर्ण हो जाएंगे, एक बी बी विकर्ण हो सकता है कोना कोना मिला देना और एक एसी विकर्ण हो सकता है, यहाँ इसलिए लिखा हुआ है ए बी सी डी में दो विकर्ण है एसी एंड बी डी, एक एसी ये ए टू सी और एक बी टू डी कोना कोना, ठीक है। चलो ये आपका ज्यामिति टोटल खत्म हो गया है, फिर हम देखेंगे कौन को किस तरीके से मेजर करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। अगर मजा आया होगा बाबू शेयर करना, जितने बंदे बुलाओगे ना उतना जल्दी आपका सिलेबस खत्म होगा, उसको मैं खत्म करूंगा ही, और जितना तुम लोग मोटिवेट करोगे ना सब लेके आऊंगा, ठीक है। चलो ओके बाय।